दोस्तों कहते हैं हमारे देश भारत में या इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गांव में बिलोंग करती है, इसीलिए भारत को गांव का देश बोला जाता है। तो ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, जिनके पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी कोचिंग्स नहीं है, या ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकल कहते ना कमजोर हैं, गरीब हैं, तो ऐसे बच्चे डॉक्टर कैसे बने, MBBS कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस सवाल को यहीं पे खत्म कर दूंगा। बिकॉज कहते हैं कि प्रतिभाएं हमेशा गांवों से निकल के आती हैं। गांव के बहुत से ऐसे बच्चे हैं आप में से व्यूअर्स जिनका सपना है कि वो MBBS करें, डॉक्टर बने, ठीक है, वो भी अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, उनके पास भी अच्छा घर हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात की है कि सर हम कैसे करें, हम कैसे पढ़ें, क्योंकि गांव में कोचिंग तो कोई है नहीं, कोई हमें बताता तो नहीं कि बेटा कैसे पढ़ाई करो, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन सी बेस्ट बुक है। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, बहुत चैनल्स पे कमेंट करते हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि नीट एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ और डेडिकेशन है, क्योंकि कोई व्यक्ति पेट से ही जो है कहते हैं ब्रिलियंट होके नहीं आता है, सभी एक जैसे होते हैं, सभी के पास दो हाथ होते हैं, सभी का ब्रेन 1200 ग्राम का होता है, कुछ लोग उसको अच्छी दिशा में यूज करते हैं तो कुछ लोग उसको गलत दिशा में यूज करते हैं। आप अपने ब्रेन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, तो उसी दिन आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। बस करना क्या है कि MBBS कैसे करें इस बात को समझना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। जरूरी नहीं कि आप दिन में 15 घंटे पढ़ो या फैमिली के कार्यों में इंटरेस्ट ना लो, सब कुछ करो यार। आप देखिए इस बार जो नीट का टॉपर है उसने बताया कि वो सब कुछ करता था, इवन वो मूवी भी देखता था, नेटफ्लिक्स के शो भी देखता था, फिर भी उसने नीट को टॉप किया, AIR फर्स्ट रैंक लेकर आया, 720 स्कोर किया। तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अच्छा सा टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल का मतलब ये है कि आप कब पढ़ना चाहते हो, जब आपके पास एनर्जी हो, आप जागृत अवस्था में रहें, क्योंकि कोई दिखावा नहीं करना कि हमें फैमिली को दिखाना है, आपको डॉक्टर बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको सेल्फ से लेनी पड़ेगी। तो जो आपका कहते हैं टाइम जब आप परफेक्ट फील करें कि भाई मैं इस टाइम रेडी हूँ, फुल ऑफ एनर्जी है, मैं पढ़ सकता हूँ, उस टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे वो दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, या रात का समय हो, या सुबह का समय हो, ठीक है। पढ़ाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, और बायोलॉजी आती है, तो तीनों ही सब्जेक्ट को आपको इक्वल समय देना है। बहुत से बच्चों की बायोलॉजी स्ट्रांग होती है, फिजिक्स वीक होती है, तो फिजिक्स को कम पढ़ते हैं। तो भाई साहब अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिले, तो आप प्रॉपर टाइम फिजिक्स को भी दें, विदाउट फिजिक्स आपको MBBS नहीं मिलेगा। तो एक प्रॉपर टाइम बनाइए कि हमें 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, और 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। अब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको कुछ डाउट्स दिखते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको यहाँ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आपको उस टॉपिक को मार्क कर लेना है, उसको यूट्यूब पे सर्च बार में जाके फट से सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको गॉस का थ्योरम या गॉस की प्रमेय नहीं मिला है, समझ में नहीं आ रहा, फट से आप YouTube पे जाइए, गॉस थ्योरम टाइप करिए, सर्च करिए, आपके पास लंबी लिस्ट आ जाएगी जिसमें टीचर्स ने गॉस की थ्योरम को बताया है, समझाया है, जिस वीडियो को जिस अच्छे व्यूज़ हो, जो अच्छे से आपको टीचर अच्छा लगे, आप उसको क्लिक कर लो, देखो, समझो, समझ में आ जाए, टीचर अच्छा लगे, उसको सब्सक्राइब कर लो और उसकी वीडियोज देखते रहो। क्लियर हो गया। ऐसे ही केमिस्ट्री की कोई इतनी समझ में नहीं आ रही है, तो एक टीचर आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा जो रेगुलर वीडियोज अपलोड करता है, अच्छे से समझाता है, उसको फॉलो कर लो। सेम एज बायोलॉजी को, तो जो टीचर, देखिए ये मैटर नहीं करता कि जिससे आप पढ़ रहे हैं उसके कितने फॉलोअर हैं, उसके कितने व्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिससे पढ़ रहे हो क्या उसकी पढ़ाई की चीजें आपको समझ में आती हैं, क्या उसकी वीडियो देखने के बाद आपसे वो टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि जो बड़े चैनल्स हैं वही अच्छा पढ़ा पाते हैं, छोटे चैनल्स जो छोटे हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो आज ही तो कल वो बड़े बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब जब आपको एक चैनल मिल गया 2-3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो पहली बार में बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। जब आप फर्स्ट टाइम में मार्क कर लोगे, जब दोबारा आप रिविजन करोगे ना, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका जो ध्यान सीधे वहीं पर जाएगा जहाँ पर आप जो है चीज़ों को मार्क कर लेते हो।
सेकेंड शिफ्ट में आपको जब दोबारा पढ़ेंगे फिर आप लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे, उस टॉपिक को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आपके पास अगर रफ कॉपी है तो आप उसको यूज करना सीखिए। मान लिया आप पढ़ रहे हैं न्यूटन्स की लॉ, तो आपने जो बुक में पढ़ा है अच्छी बात है, अब उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। यहाँ पर जब आप लिखेंगे कुछ फंसेंगे तो आप एक बार बुक से देखेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा भी है, लिखा भी है और देखा भी है। जैसे आप मूवी देखते हो तो आप विद इंटरेस्ट देखते हो तो आपको सब कुछ याद रहता है कि कब होती है विलन की एंट्री, कब हीरो जो है आता है, कब वो डांस करता है, कब वो कौन सा डायलॉग मारता है, तो वो सब आपकी आंखों में एज लाइक का पिक्चर सेव हो जाता है। तो ऐसे ही जब आप नीट की तैयारी करते समय वीडियोस को देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, तो आपके ब्रेन में भी सब डिक्टो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब लिख रहे हो तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, इम्पॉर्टेंट नेम आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज आ रहे हैं, उन सबको एक चार्ट पेपर में 2-3-4 रुपये की मिलती है उस पर लिख लो और टॉपिक वाइज हेडिंग में चले जाओ। लाइक जैसे फिजिकल वेट एंड मेजरमेंट है तो उसके अलग फार्मूलेज, सेकेंड ग्रेविटी वाले अलग फार्मूलेज, गॉस मतलब अलग अलग मैग्नेटिज्म के अलग फार्मूले, कैटेगरी वाइज अलग अलग फार्मूलेज को लिखते चले जाए। एक चार्ट में आपके लगभग कम से कम 6-7 टॉपिक कवर हो जाएंगे, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। दो चार्ट में आपका पूरा अच्छे से सभी फार्मूलेज लिख जाएंगे। जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो तो फर्स्ट चार्ट फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज नेम जो कुछ भी है लिख लो। जब भी आप निकलो रूम से देखोगे अच्छा ये है, आपको हर चीज़ दिमाग में रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जब आपका एक चैप्टर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर आपको उसी चैप्टर या टॉपिक से कम 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या जो आपके पास बुक है। क्वेश्चन कहीं से मिले, आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कम लगते हैं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन हम सीखेंगे। जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन विनर हम ही बनेंगे। ठीक है, जब आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लियर हो जाए फिर आप सेकेंड चैप्टर पे जाओ, फिर आप थर्ड चैप्टर पे जाओ, ऐसे करके आपको पूरी बुक फिनिश कर देनी है। तो रिवीजन, टॉपिक को पढ़ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों आप एक साथ करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाए, सेकेंड ईयर क्लियर हो जाए, और ये टारगेट करिए कि हमें एग्जाम से 3 महीने पहले, यानी कि एग्जाम हमारा मई में होना है तो हमको फरवरी तक ये सब बिल्कुल क्लियर कर लेना है। ठीक है, फिर फरवरी के बाद मार्च अप्रैल 2 महीने आपको मिलते हैं नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए जो कि आपके नीट के पैटर्न के बेस पे हैं। कुछ यूं कहें कि लास्ट के 15-20 ईयर नीट के पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो करने होते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहना है। ऐसे पढ़ोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने अच्छे से रिवीजन किया है, मैंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मुझे सब कुछ क्लियर है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कम से कम 650, 660 या 700 स्कोर कर देश के जो बेस्ट MBBS कॉलेजेस हैं लाइक चाहे दिल्ली एम्स हो, चाहे आप जो भी आपके स्टेट आपके घर के पास हो, जो आपका फेवरेट कॉलेज है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से MBBS कर पाएंगे और अपने माँ बाप के सपने को साकार कर पाएंगे। तो इसीलिए अब जो सोच लिया है करने का उसको करके ही रहो, तब तक जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दुनिया ना आपको तभी सलाम करेगी जब आप सफल हो जाओगे। गरीबों का कोई फ्रेंड नहीं होता है, गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, सच्चाई है, इस बात को समझिए और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगले फ्यूचर डॉक्टर आप होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कोई सवाल है, कोई दिक्कत है यार, तो मैंने ऑलवेज बोला है कि आप मुझसे पूछ सकते हो, चाहे कॉल पे हो, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है स्टीवी डॉक्टर अभिषेक, आप वहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैक्सिमम सवालों को जो है उनका आंसर कर सकूँ। कई बार मैं कमेंट्स कर पाई नहीं कर पाता हूँ तो मैं प्रॉपर उस पर वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बने रहें ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।